आज का तड़का। यहाँ पर हम दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम साइड चेंज करते हैं और ये पैन आ गया इस तरफ। ठीक है, एक हम बना रहे हैं दाल, ठीक है, मिक्स हरा मसाला दाल बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने हरे मसाले के अंदर हम जो इसमें यूज़ करेंगे उसमें हमने ये मिंट और धनिया और पुदीना, हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करें, हल्दी है हमारे पास, लाल कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, ठीक है जी, गरम मसाला है, नमक है, लेमन का रस है, और उसके बाद टमाटो का प्यूरे और ये मूंग मसूर की दाल। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये हो गया डन। तो इसी के साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे, हमारा पेज है आज फूड, कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, बीन्स जितने भी लेग्यूम्स हैं उनको, उनकी सोगिंग टाइम अलग है, उनकी बॉइलिंग टाइम अलग है, उनका कुकिंग टाइम अलग है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मूंग मसूर को आपने अच्छी तरह से वॉश करके, ठीक है, पानी में सोक करके रख देना है। इसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको आपने अच्छे से भूनना है, और इसके बाद यहाँ पर इसमें आप क्यूमन सीड्स ऐड करेंगे। ठीक है, और क्यूमन सीड्स को आप भून लेंगे ताकि क्यूमन का कच्चापन जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाए और ऑयल के अंदर वो क्रिस्प हो जाए। ये हो गए डन इस तरह से, परफेक्ट। वंस ये डन होता है, फिर आपने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च, अगेन लाल कुटी हुई मिर्च आप इसमें हसबे जायका ऐड कर दें। ठीक है, और फिर गरम मसाला, हल्दी पाउडर। ठीक है, हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद आप टमेटोज जो हैं उसका प्यूरे, या आप उसको थिन स्लाइसिस में काट कर बारीक बारीक, इवन के आप उसको चॉप करके भी टमाटर को इसमें ऐड कर सकते हैं, बट प्यूरे बना लें तो वो सबसे बेस्ट और इजी वे है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने टमाटर का प्यूरे इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया डन, परफेक्ट। और वंस जैसे ही टमाटर में टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद इसमें बॉईल आता है, तो आपने यहाँ पे जो दाल भिगो के रखी थी, ठीक है, ये दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है डन, इस तरह से। और दाल शामिल करने के बाद आपने इसको फुल फ्लेम पे अब बॉईल होने के लिए रख देना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर दें इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा ड्राई, मतलब फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो ड्राई भी पानी कम ऐड करेंगे, और अगर आप थोड़ा रनी इसको रखना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड होगी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें पानी थोड़ा और ऐड करते हैं। ठीक है जी डन, और अब हम इसको कैप कर देते हैं ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। अच्छा, अब यूजली जो बीन्स एंड लेग्यूम्स हम घरों में बना रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, तो हमने आज तक बीन्स और लेग्यूम्स को करी फॉर्म में ही यूज़ किया है, सालन बनाकर। ठीक है,
अब इनको आप सैलेड्स भी, इनकी बड़ी ज़बरदस्त सैलेड्स बन सकती हैं, ठीक है। आप इसको जस्ट बॉईल कर लें पानी के अंदर, चाहे वो मूंग मसूर की दाल हो, चाहे वो माश की दाल हो, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे वो काली दाल हो, ठीक है, चाहे वो आपकी लोबिया हो काली या सफ़ेद, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके पास ग्रीन बीन्स है, ठीक है, फ्रेंच बीन्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बेंजिन स्प्राउट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास और कौन सी बीन्स हैं, मतलब बेहिसाब आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है। फिर चना है सबसे बड़ी चीज़, ठीक है जी। साबुत जो काबुली चने मिलते हैं, सफ़ेद चने मिलते हैं, काले चने मिलते हैं, ये जितने भी बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, इन सब का, इन सबको आप बॉईल करके, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद इनका आप सैलेड बनाकर खा सकते हैं लंच टाइम में, शाम में, सही है जी, रात में। अच्छा, आप रात में या आप शाम में, जैसे सैलेड आपने बनाकर खाया और शाम में और दिन में और रात में, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने मीट खाना है, आप मीट खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीट के साथ एक छोटा पोर्शन जो है ना इसका, बीन्स का, लेग्यूम्स का, जिनको आयरन की कमी है, जिनको वीकनेस है, ठीक है जी, जिनको भूख लगती है, ठीक है, और खाने का दिल नहीं करता, तो वो लोग इसको ज़रा, मतलब अच्छे से सैलेड, मतलब ऑलिव ऑयल के अंदर कच्चा, जिस तरह से कहा जाता है कि जैतून को पकाया ना जाए, उसको कच्चा जैतून का ऑयल आप इस्तेमाल करें, तो उस जैतून की ऑयल का ड्रेसिंग बनाकर आप इसके अंदर ऐड करें सैलेड के अंदर और उसको एंजॉय करें। लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, दैट्स इट, ठीक है। अगर इसमें आप गार्लिक के चंद जवे चॉप करके ऐड करते हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, आपके निज़ाम हाजमे के लिए अच्छा है, आपकी तेजाबियत को दूर करता है, ठीक है। गार्लिक को आप चॉप करके ऐड कर दें। फिर उसके बाद जो बीन्स हैं, ठीक है, उनको बॉईल करें अच्छी तरह से। बॉईल करने के बाद उसमें फिर ऐड ऑन करें तुलसी के पत्ते, जिस तरह से नियाज़बू, बेज़ल के पत्ते हम इस्तेमाल ही नहीं करते, बेज़ल के पत्तों को आप फाइन चॉप करके सैलेड के अंदर ऐड करें। फिर आप पालक, पालक जिस तरह से आपने आपको बताया कि हम पालक हमेशा, हमने आप पकी हुई पालक खाइए, ठीक है, कच्ची पालक चॉप करके बीन्स के साथ आप ऐड करें, उसको चॉप करके मिक्स करें और ये ड्रेसिंग डालकर आप उसको एंजॉय करें। फ्रूट के साथ आप उसको खा सकते हैं, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के साथ आप उसको खा सकते हैं, कैंटलॉप आता है, खरबूजा होता है मेरे ख्याल से, ये तरबूज होता है, ठीक है, वो आप उसके साथ आप खा सकते हैं, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास मौजूद, इनके साथ हम इन तमाम ग्रीन्स को, फिर एक 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 लीव्स पत्ता आता है, एक रॉकेट कहते हैं हम उसको, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में, मगर उसको उर्दू में या दूसरी जबान में क्या कहते हैं मुझे उसका कंफर्म नहीं है, बट रॉकेट लीव्स कहते हैं हम, ठीक है। और रॉकेट लीव्स पंजाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इवन कि जब आप अरब या यूरोप कंट्री के अंदर जाते हैं, मैं यूरोप तो नहीं गया बट मैं अरब और यूरोप के अंदर मैंने ये आपका क्या कहते हैं बाकू मैंने देखा हुआ है, तो यहाँ जितनी जगहों पर मैं गया हूँ, जितने आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, वहाँ पर रॉकेट का इनटेक इतना है, और ऐसे आम जैसे, मतलब हम यहाँ पे सलाद पत्ता खाते हैं, ऐसे वहाँ पे रॉकेट खाते हैं। अच्छा, रॉकेट का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त है कि वह आपके खून को साफ़ करता है। फिर जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन के डिजीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत बेहतर है, ठीक है, तो वो आप रॉकेट का यूज़ अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, सलाद पत्ते का इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, आइस वर्क का यूज़ करें, पालक का यूज़ करें, इवन के बीटरूट और बीटरूट के पत्ते जो मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर अब दूसरी जो रेसिपी है वो है जी शान की अचार गोश्त। अच्छा, जब यहाँ पे साथ में हमने इतनी हेल्दी बातें की हैं खाने पीने की, तो उसके साथ फिर चटपटा और थोड़ी सी मज़ेदार बातें भी हो जाएं, तो यहाँ पर शान का अचार गोश्त हम बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी रेसिपी जो है इसके अंदर अगेन गोश्त, जो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, ये दोनों पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हरी मिर्चें हैं, नींबू का रस है, टमाटर है, ठीक है, प्योरे और चॉप, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर दही हमारे पास है, तेल हम यूज़ करेंगे और शान का अचार गोश्त हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब तक दाल बॉयल हो रही है, हमने नाइफ़ लिया और नाइफ़ लेकर यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ को आपने इस तरह से सेंटर से नाइफ़ रखकर ऐसे
फ्रंट से इसका मुंह जो है वो आपने खोलना है, ठीक है। ये हो गया डन। और मतलब जितनी चिलीज आप भरना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको फिल कर देंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त, खैर खैरियत से। क्या हो रहा है? आपका शो देख रही थी। शो देख रहे थे? कैसा कैसा जा रहा है? आपा ने जो रेमेडीज बताई देखी है आपने? जी देखी मैंने। मैंने कॉल करनी थी लेकिन मेरी लग नहीं सकी उस वक्त कॉल। काफी अच्छी रेमेडी बताई उन्होंने, फेस वॉश के बारे में बताया और सोप के बारे में बताया। आप यकीन जानिए, मैं अभी आप लोगों को सोप दिखाऊंगा जो आपा ने बनाया है, ठीक है। इस कदर कोई बेहतरीन फ्रेग्रेंस खुशबू है। और ये देखें, यहाँ पे देखें यार, ये दिखाइएगा असद भाई, तो ये शेप देखें कितना कोई परफेक्ट इसका शेप आया, ठीक है। और अब आप इसको लाइक मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सीन ऑन, मतलब लाइक दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। सॉरी, दिखने में मेकअप ब्यूटीफुल है, इतना दिखने हाँ, में अच्छा बिल्कुल लग रहा है। कलर्स असल में एक्चुअली इसमें जो अनार के फूल, मिंट लीव्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसकी वजह से वो बड़ा खूबसूरत आया। कोई फरमाइश आना आपकी? नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ आना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। आना की कॉल के साथ दाल कुक्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पेस्ट बना दिया है, ठीक है। शान का मसाला हमने लेमन जूस में ऐड किया और उसके बाद अब ये स्पाइसेस जो है हम चिली में फिल करेंगे। हरा मसाला दाल, अजसा दाल, मूंग एक पाव, दाल मसूर एक पाव, लहसुन अदरक चॉप 2 खाने के चम्मचे, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, पुदीना चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्च चॉप्ड 8 से 10 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चम्मचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: हरा धनिया, नमक, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लें। दाल, मूंग और मसूर को साफ करके अच्छी तरह से धो लें। फिर एक पतीले में दाल, मूंग, मसूर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, पानी और नमक शामिल करके दाल को गला लें। फिर एक पैन में तेल गरम कर लें और इसमें जीरा कड़कड़ा लें। फिर इसमें लहसुन अदरक चॉप्ड शामिल करके भूनें। फिर इसमें टमाटर शामिल करके इतना भूनें कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, बची हुई हल्दी पाउडर और हरा मसाला शामिल करके अच्छी तरह से भूनें। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए इसमें दाल और पानी शामिल करके मजीद 5 से 10 मिनट पकाएं। अब इसे डिश आउट कर लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके लहसुन का भगाड़ लगाएं और सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दाल बनाई और बड़ी जबरदस्त सी, और दाल के साथ अब हम चिली, ठीक है जी, ये हमने ग्रीन चिली को इस तरह से फिल कर दिया जो मिक्सर हमने लेमन और शान मसाले के साथ, पाउडर के साथ, मिक्सर के साथ हमने बनाया है मिक्सर, इसमें हमने चिली में फिल कर दिया, ठीक है जी। इसको हम एक तरफ रखते हैं और ये बाकी का मसाला जो हमने चिकन में यूज़ करना है इसको एक तरफ कर दिया। अब हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड किया पैन के अंदर, ठीक है। और ऑयल ऐड करने के बाद एक स्पून ले लेंगे और इसके साथ में फिर आप सबसे हमेशा की तरह एक ही लाइन देता आया हूँ आप सबको कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा जो चैनल है वो है जी आज फूड। वहाँ पर हमने आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। तमाम रेसिपीज़ जो वहाँ पर हम डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं वो शॉर्ट करके आपके पास आ जाती हैं, यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने गार्लिक ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करना है, चाहिए, और कुक करने के बाद जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को, और उसके बाद हमने इसमें ये चिकन शामिल कर दी, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से चिकन को पका लेंगे,
हो गया डन। थोड़ा सा नमक हसबे जायका इस पर हम ऐड करेंगे और इसको हम अब कुक होने के लिए रख देंगे। जितना आप इसको रिड्यूस करेंगे मतलब कुक करेंगे चिकन को, ज़्यादा आपने मेक श्योर के टफ ना हो, चू ना हो, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो ग्रीन चिल्ली है हरा मसाला बनाने के लिए, ठीक है, हरी मिर्चें, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया और पुदीना हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। थोड़ा सा पिंच सॉल्ट इसमें ऐड करते हैं और इसके बाद इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। यहाँ पर चिकन जैसे ही कुक्ड होती है, ठीक है, और कलर चेंज होता है चिकन का, और इसके बाद इसमें हमने शान का अचार मसाला ऐड किया, ठीक है, और शान का अचार मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स किया ताकि मीट पे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मसाले के आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद इसके इसमें जो है हमने टमाटो का प्यूरे या स्लाइसेस या चॉप या क्यूब, जिस तरह से भी आप इसको काट के डालना चाहते हैं टमाटर को, आप टमाटर ऐड कर देंगे या फिर आप इसमें प्यूरे बनाकर ऐड कर देंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे टमाटर का ये प्यूरे बनाकर रखा हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब दूसरी तरफ दही को जो है, जिस तरह से अगर मैं अभी दही इस तरह से ऐड कर दूंगा तो होगा क्या कि इसमें लम्स बन जाएंगे, ठीक है जी, तो लम्स नहीं बनने चाहिए। इस चीज़ के लिए आपने दही को एक बॉल में निकाल कर आपने वायर विस्क की मदद से फेंटना है और स्मूथ एक पेस्ट बन जाए, लम्स ना रहें इसके अंदर। फिर इसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे करी के अंदर। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं इरम हुसैन बात कर रही हूँ। इरम, आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा शो करते हैं, मैंने रमजान में भी आपको फॉलो किया दूसरे चैनल पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहती हैं? आपसे एक फरमाइश थी कि बस बड़ी ईद आ रही है ना, इस हिसाब से डिशेज बनाए और थोड़ा मीठी डिशेज भी सिखाए, इसलिए मैं आपका शो देखती हूँ बहुत, रोजाना रेगुलर देखती हूँ। ठीक है मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द हम आपको बकरा ईद जैसे आ रही है बड़ी ईद, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आपको उसके हवाले से रेसिपीज बनाना सिखाएंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और कॉल करने के लिए अगेन थैंक यू। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से कुक किया और अब देखें जब ऑयल ऑन टॉप आ जाए, ठीक है, टमाटर से ऊपर ऑयल आ जाए ये आपके सामने, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसमें ये जो दही का आपने मिक्सर बनाया था, ठीक है, ये इसमें आप ऐड कर दें, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और इसके बाद आप देखें इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। वंस जब ये रिड्यूस होगा, ठीक है, और दही खुश्क होगी, करी एक जान होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि ये बाइंड नहीं होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक होगी मगर ये बाइंड नहीं होगा। अगर इसके अंदर अनियन ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अनियन बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है, वो इसकी करी की कंसिस्टेंसी को थिक भी करेगा और बाइंड भी करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको कैप करना है और कैप करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन चिल्लीज हमारे पास स्टफ्ड हैं, ठीक है, और अब हमने ऑन टॉप इसके ऊपर अगेन, जिस तरह से मैं हमेशा कहता आया हूँ आप लोगों को कि जिंजर
इस तरह से हम जिंजर की कटिंग डन करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और जिंजर को जो है आपने फाइन स्लाइसेस में काट दिया, और फाइन स्लाइसेस में काटने के बाद आप इसको फाइन जूलियन काट देंगे। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं शहजादी बेग लाहौर से बात कर रही हूँ, फर्स्ट कॉल है मेरी ये। शहजादी बात कर रही हैं? पहली कॉल है, पहले कॉल की आपको यहाँ पे। क्या बात है, प्रोग्राम आपका। थैंक यू वेरी मच शहजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? अचार बनाना सिखा दे भाई जी। अचार बनाना, अचार बनाना सिखा दे। ठीक है, आम आ गए, कैरी आ गई है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द आपको जो है ना ये हम रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आप सब पूरा घर आपको देता है, बहुत बहुत लाइक करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। चीजें बनाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ची बनाई है हमारी बड़ी फेवरेट मिर्ची है, आप बना रहे हैं। अच्छा, बस आप अब आपने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना है। ठीक है, ठीक है, ओके शहजादी जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यार ये अच्छा आइडिया इन्होंने दिया कि अचार पिकल्स जो है ना हम बनाएंगे। मुझे ज़रा ये दाल पकड़ा दें प्लीज़ दानिश भाई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद ठीक है जितना इसको आप रिड्यूस करेंगे उतना ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक होती जाएगी। ठीक है, वंस ये थिक होता है फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें और ये कोरिएंडर और जिंजर और मिंट, ठीक है, धनिया पुदीना हरी मिर्चें ये हमने इसके अंदर शामिल करनी है और ऐड करना है। एक मिनट। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया, और ये ब्लेंडर को मैं इस तरफ ले आता हूँ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर बीफ या बीफ ऐड करते हैं या मटन में बनाते हैं, तो आपको बीफ और मटन ठीक है उसको पहले कुक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे मटन बना रहे हैं तो मटन के अंदर यूजली होता है क्या है कि बहुत दो तरीके हैं, एक तो आप प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं और दूसरा जो है आप उसको बॉयल करते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर, और दूसरा जो है आप उसको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई जो होता है वो उसकी फ्राइंग का तरीका होता है। ठीक है जी, क्या आपने एक सर्टेन फ्लेम के ऊपर उसको ऑयल में या घी के अंदर फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर ये दाल मेरी पक रही थी। ठीक है, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ, इसको थोड़ा सा टाइम और है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इसको इस तरह से हिलाना है, मिक्स करना है। तो ये देखें आप कंसिस्टेंसी इसकी। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि आप अगर रनी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर देंगे, और अगर आप कंसिस्टेंसी इसकी थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको पानी ऐड नहीं करेंगे और एज इट इज़ इसको पकाएंगे। इस वक्त दाल जो है ये आपकी कुक्ड हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा एज इट इज़ कुक करते हैं, और फिर इसके अंदर हमने हरा मसाला ऐड करना है। यहाँ पर जो अचार गोश्त था, अब ये चेक करें आप अचार गोश्त का, पानी जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा ऑयल ऑन टॉप आता जाएगा, और नीचे जो इसके मिक्सचर है जो योगर्ट और टमाटो का उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। वंस जैसे ही दाल में बबल्स आने लगे इट्स मीन कि ये रेडी हो गया। और यहाँ पर हमने ये हरा मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, हरा मसाला शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से आप मिक्स कर देंगे। ठीक, ये हो गया डन, परफेक्ट। अब ये देखें कि इसका कलर थोड़ा ग्रीन साइड पे चला गया है। ठीक है, जो हमने इसमें हरा मसाला ऐड किया था, परफेक्ट। और अब अगर इसकी कंसिस्टेंसी, अगेन आप रोटी के साथ मैं सजेस्ट करूँगा आप इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखें, और अगर आप राइस के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा रनी रखेंगे, पतला रखेंगे। ये हो गया परफेक्टली डन। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया गुड सिंग। अब हमने
फ्लेम स्लो फ्लेम के ऊपर अचार का जो ये मिक्सचर है इसको हमने डन करना है, ठीक है, और दाल को हमने हाई फ्लेम पर रखना है, ठीक है, ये हो गया इधर। और इसके बाद ये जो ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास, ठीक है, अब हमने स्लो फ्लेम पे लिया है और ये ग्रीन चिलीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं ये भरी हुई हैं, ठीक है, और इसके बाद पुदीना और ये जिंजर ऑन टॉप, ठीक है, और ये चॉप कोरिएंडर, परफेक्ट। और इसके बाद अब हम इसको कैप कर देते हैं और इसमें स्टीम बिल्ड होने देते हैं, ठीक है जी। और इस तरफ दाल को आपने टाइम टू टाइम हिलाते रहना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम तड़का नहीं देंगे बिकॉज़ के इसके अंदर हरा मसाला इसके अंदर हरा मसाला जो है उसका फ्लेवर काफ़ी शार्प होगा, जो कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इवन कि इसमें क्यूमिन भी हमने ऐड किया था। अगर आप इसके ऊपर तड़का देना चाहते हैं तो आप इसको तड़का भी दे सकते हैं लाल गोल मिर्च के साथ, ठीक है, लाल गोल मिर्च, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स, ठीक है जी, और जो आपकी कश्मीरी लाल मिर्चें मिलती हैं उसके साथ भी आप इसको तड़का दे सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से कुक करना है वंस ये डन होता है, ठीक है जी। और इसकी अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। ये इसको रिड्यूस किया आपने अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी ये ज़बरदस्त सी जो रेसिपी थी आज की, ये ट्राई ज़रूर करनी है। और ट्राई करने के बाद जिस तरह से मैं हमेशा कहता आया हूँ आप सबसे कि हमें फ़ीडबैक भी देना है आपने, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारे पेज का जो लिंक है वो है आज फूड। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑयल हमने ऐड किया था उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी, और ऑयल अगेन इसमें समस्या है क्योंकि दाल की दाल इसमें कुक्ड हो चुका है, पानी के साथ बाइंड हो चुका है, ठीक है। अगर आपने तड़का देना है तो आप देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो अचार गोश्त था उसको कोई रॉकेट साइंस उसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि इसका कलर इतना खूबसूरत था और साथ में ऑयल और इवन की ग्रीन चिल्ली बड़ी फ्रेश इसके ऊपर आ रही थी, तो इस पर कुछ ऐड ऑन जो है करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज कि इसके अंदर हमने चिली के साथ जो है जिंजर, फाइन जुलियन और पुदीना और धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया था दम देते वक्त। बाकी ऊपर से हमने दाल के ऊपर जो प्रेजेंटेशन में जो हमने फ्रेश हर्ब्स और ब्राउन अनियन मेरे पास थोड़ी सी थी वो मैंने ऐड की, ठीक है जी। फिर उसके बाद पुदीना हमने ऐड किया और ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली को हमने काट के इसके ऊपर ऐड कर दिया ताकि गार्निश थोड़ा सा कलरफुल हो जाए और ख़ूबसूरत हो जाए। तो इस तरह से हम बीन्स और लेग्यूम्स अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इससे होगा क्या, इससे हम 10 तरह की परेशानियों से और बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। अब ये जैसे वीकनेस है बॉडी में, एक हमारी सिस्टर बहन की कॉल आई थी कि कोई एज भी इतनी नहीं थी जिसमें उनके टांगों में दर्द और तकलीफ़ थी, तो उसमें होगा क्या कि जब आपका खाना इनटेक हाइड्रेट रहे, सबसे ज़्यादा पानी का इनटेक सही रखें, टाइम पे रखें, तो डॉक्टर ने ही कहा कि मेरी डॉक्टर हैं जो सबा नाम है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि रात में पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, और इवन कि आप रात में जब सो के उठें तो पानी ना पिए, इतना पानी पिए कि आपका गला सिर्फ खुश्क जो गला है वो गीला हो जाए, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक घूट से भी कम पानी आपने रात में अगर आँख खुलने पर पिए, ये जो हम पानी भर भर के पी लेते हैं तो वो भी नुकसानदेह है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो टाइम आपको किडनी के रेस्ट देने का टाइम होता है, ठीक है, बट हम उसमें पानी का लोड उस पर डालते हैं और वो काम जो है उसका रेस्ट टाइम के ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी को हर उसका टाइम फिक्स है, मॉर्निंग से लेकर आप रात के खाने तक जितना पानी आप पी सकते हैं आप पिए, ठीक है, मैक्सिमम साइड आप पानी पिए। फिर फ्रूट्स का इनटेक रखें, जूसेस का इनटेक रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इनटेक रखें लाइफ के अंदर, ठीक है, फिर बीन्स एंड लेग्यूम्स का इनटेक रखें। मीट के अंदर अब जैसे चिकन हम
चिकन खोर कहेंगे हमें, हम चिकन खोर लोग हैं, मतलब हम मीट जो है ना, मीट में चिकन खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब चिकन इस वक्त अगर देखी जाए तो फार्मिंग है चिकन, ठीक है, और फार्मिंग चिकन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे लिए मुज़र सेहत है, और इवन के बच्चों के लिए, ठीक है। आप बच्चों को खिलाना है, अगेन मटन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मटन खिलाएं, ठीक है, जितना खिला सकते हैं। फिर उसके अलावा आप उनको सी फूड खिलाएं, ठीक है, सी फूड नहीं खिला सकते तो आप उनको बीन्स एंड लेग्यूम्स खिलाएं, ठीक है। अब जिस तरह से जो ब्लैक बीन्स हैं, ठीक है, ब्लैक बीन्स हो गए, रेड किडनी बीन्स हो गए, वाइट किडनी बीन्स हो गए, इनको इक्वल टू रेड मीट कहा जाता है, बीफ के बराबर ये। अच्छा, जो वेजिटेरियन है जो बीफ इनटेक नहीं करते, ठीक है, वो बीफ बर्गर जो है खाना का उनका दिल करता है, तो वो बीफ बर्गर की जगह बीन्स एंड ब्लैक बीन्स और रेड एंड वाइट किडनी बीन्स की बीफ बर्गर पैटी बनाकर जो है ना वो बर्गर इंजॉय करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी वेजिटेरियन हैं वो बीन्स बेस्ड हैं, ठीक है जी। तो अगेन इसी तरह से लाइफ के अंदर बीन्स का इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाएं। इसी के साथ टाइम ख़त्म हो चुका है और शो का वक्त था, तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम, जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन होगी कि अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।